आज आपके लिए लेकर आया एक वीडियो जिसमें आप जानेंगे स्नेक बाइट के बारे में। दोस्तों हमारे देश में काफी मौतें लाखों की तादाद में मौतें स्नेक बाइट के कारण हो सकती हैं और इन सभी मौतों को हम रोक सकते हैं, यानी कि इन सभी मौतों को बचाया जा सकता है यदि समय पर इलाज करें और इसकी उचित जानकारी। तो आज मैं इसी संदर्भ में आपको उचित जानकारी देना चाहता हूँ। स्नेक बाइट कितने तरह के होते हैं और इसमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट होता है और कब तक ट्रीटमेंट होता है, कब तक भर्ती रहने की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, कब करवाना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, क्या 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 उपचार इसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्नेक बाइट जो होता है वो ज़्यादातर हम जानते हैं और सभी लोग को पता है कि ज़्यादातर नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी कि जो अगर अपन बात करते हैं कि जितने भी केस होते हैं उनमें मैक्सिमम केस जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसका एक डर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। बहुत से समझते हैं कि जो जहरीला सांप है यदि जो अगर उसको पता लग गया एक सांप ने काटा है तो भला जहरीला नहीं हो तब भी उस व्यक्ति तुरंत शोक के कारण ही एक्सपायर हो जाता है कई बार। तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि स्नेक बाइट के अंदर ज्यादातर केस जो है नॉन पॉइजनस होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइजनस स्नेक यानी कि जहरीले सांप। जहरीले सांप जनरली तीन तरह के होते हैं। एक जो होता है उसके अंदर है जो वाइपर बाइट होता है, यानी कि वो जो है हमारे शरीर के जो खून रहता है उसको पतला कर देता है और उसको खून की जमने की क्षमता को खत्म कर देता है। दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो होता है उसके अंदर है जो हमारे शरीर के अंदर नसें जो रहती है वो काम करना बंद कर देती है और उसके कारण उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और धीरे धीरे सांस रुकने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो वेराइटी है वो जो सी स्नेक रहता है उसके अंदर रहता है और उसके अंदर भी काफ़ी कुछ इसी से मिलते जुलते सिम्टम रहते हैं। तो ये तीन तरह के जहर जो है अमूमन पूरे संसार में पाए जाते हैं। अब यदि किसी भी व्यक्ति को जहर काटता है या ऐसा पता लगता है कि इस व्यक्ति को सांप ने काटा है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कोशिश करना चाहिए ज़्यादातर है जो इमोबिलाइज करें, बैंडेज कुछ लोग रिकमेंड करते हैं लेकिन बैंडेज तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद कट नहीं लगाना चाहिए इसमें, और ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। उस जो जगह है जो भी एरिया है, जैसे यदि किसी के पैर में कटा है तो पैर को जो है आपको इमोबिलाइज करना है, मतलब यानी कि उसको स्टिक लगा करके और जैसे प्लास्टर बांधते हैं उस तरह से उसको खिलना नहीं चाहिए उसके अंदर, तो उसके अंदर जो जहर का मूवमेंट है वो कम से कम होगा, जहर शरीर में पहुंचने की जो संभावना है वो कम रहेगी उसके अंदर। अब उसको दूसरी चीज है कि जबरदस्ती पानी वगैरह पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि जो अगर उसमें यदि नसें काम करना बंद कर गई या पैरालिसिस वाला सिम्टम यदि अपन पानी पिला देंगे तो उसके फेफड़ों में जाने का डर रहता है उसके अंदर ऐसी कंडीशन में। तो ऐसे व्यक्ति को जैसा मैंने बताया उतरते करके तुरंत से अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अस्पताल में पहुंचने के बाद जनरली इसके अंदर एक डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर है जो उसके जो निशान है उसके द्वारा जो पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह का पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, जो निशान रहते हैं उससे पता लगाया जा सकता है ज़्यादा टाइम, या उसके बाद उसके जो सिम्टम होते हैं उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर है जो पाइपर बाइट है, कोबरा बाइट है या सी स्नेक है, किस तरह का जो सांप है ये पता लगाया जा सकता है और उसके हिसाब से फिर उसका जो है जो भी इलाज है वो चालू रहता है। ज़्यादातर इसमें यदि जहरीला सांप होता है तो ASV एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगते हैं जो कि जनरली तीनों तरह की वेराइटी जो जहर है उसके अगेंस्ट काम करता है। इसके बाद डिपेंड करता है कि यदि जो अगर जैसे वाइपर बाइट है जिसमें खून पतला करने की क्षमता कम हो जाती है उसके लिए अलग से कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम, प्रोटीन टाइम, होल ब्लड प्रोटीन टाइम, इससे अपन को पता लगाया जा सकता है कि ये वाइपर बाइट है, या कोबरा बाइट है तो उसके अंदर है जो जो शरीर की नसें कम काम करती है, यानी कि उसके अंदर है जो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और इसे पेशेंट को कई बार हमको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है।
तो ये तीसरा करेज पॉइजन होता है, उसके अंदर भी काफी कुछ इससे मिलते जुलते सिम्टम आते हैं, उसके अंदर भी नसें काम करना बंद कर देती है और उसके कारण भी पैरालिसिस हो सकता है और ऐसे पेशेंट को भी हमको वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है। जनरली ऐसे मरीज को 3 से 5 दिन या 7 दिन 10 दिन भी कई बार लग जाते हैं, पर जनरली 3 से 5 दिन के अंदर ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मरीज यदि तुरंत अस्पताल पहुंच जाए तो इसमें पूरे 100% ठीक होने की संभावना रहती है। इसके अंदर शर्त ये है कि ये बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, ऐसे मरीज को तुरंत तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके बाद जो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पर सांप ने काटा है तो वहाँ पर कई बार सूजन आ जाती है, फूल जाता है, कई बार उसमें एनोरेक्टिक इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो वहाँ पर सेलुलाइटिस हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें कुछ ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है, सुबह वगैरह से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ती है, तो वो लेनी पड़ती है। और ऐसे मरीज को ज़्यादातर टाइम पे कोई कट वगैरह ऐसा नहीं लगाना चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।